अभी ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, और इससे भी भयंकर तबाही 2008 में हुआ था। 2008 में, यहाँ पर देख सकते हो 2009 2007 के बीच में 8 था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा पहुँच गया था 6500 के आसपास, वहाँ से जब गिरावट होना स्टार्ट हुआ तो 2500 से भी नीचे चला गया था। लेकिन एक चीज़ तो है यहाँ पर नोटिस करने वाला है दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने इस प्राइस पर ख़रीदना स्टार्ट किया होगा दोस्तों, उनको सोच चाहिए, उन्होंने पैसा बनाया नहीं, पैसा छापा होगा। मतलब कि दोस्तों डबल ट्रिपल जितना हो रहा करते जा रहे, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो आपको रेड कैंडल से ज्यादा आपको ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए जब मार्केट गिर रहा था, देखिए जब झटका मारता है गिरता, लेकिन दोस्तों जब बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया तो यहां पर बीच में देखिए पूरा ग्रीन कैंडल है, यहां पर भी देख लीजिए ग्रीन कैंडल है, यहां पर भी ग्रीन कैंडल है। मतलब कि दोस्तों जब मार्केट बाउंस बैक लेना स्टार्ट करता है ना, तो टाइम नहीं देता है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, ये कैसे होता वो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के बारे में आप सोच रहे हैं। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, HDFC, ICIC, एक्सिस बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सबको एक साइड रखो और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक साइड रखो, ठीक है। हाँ दोस्तों वो 10 और SBI एक बहुत बराबर है, ठीक है। आप अपने घर के आसपास देखो कौन सा बैंक का ब्रांच सबसे ज़्यादा है दोस्तों, जिस बैंक का ब्रांच सबसे नज़दीक है लोग उसी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम एनर्जी मनी उनको क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उस ऐसे स्टॉक को दोस्तों SBI जैसे बैंक को 400 रुपये पर जाने वाला स्टॉक आज आपको 200 रुपये के आसपास मिल रहा है। अब आप ही बताइए, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए जिस दिन मार्केट में तेज़ी आना स्टार्ट होगा तो क्या SBI बैठा रहेगा दोस्तों, ऐसा स्टॉक कट से ऊपर जाएगा जो आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में कुछ आज आपको स्टॉक बताने वाला हूं जो आप अच्छे पोजीशन बना के आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने दोस्तों बजाज फिनसर जैसे स्टॉक में अगर 1000 रुपये का डेली गिरावट होगा, अगर डेली यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 815 रुपीज़ की गिरावट हुआ है, 9% की तकरीबन। अभी जो मार्केट बंद हुआ है दोस्तों 7438 रुपीज़ लोएस्ट, देख लेते हैं कहाँ तक का दोस्तों 7400 का था, ठीक है। मतलब कि आसपास लोएस्ट में ही बंद हुआ। तो देखिए ऐसा स्टॉक आपको डेली अगर 10% गिरावट हो रहा, मान लीजिए दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और मार्केट ने इसको गिरा दिया है, मान लीजिए 70 रुपीज़ तक कर दिया, ठीक है। लेकिन जिस दिन दोस्तों मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो दोस्तों 120 रुपीज़ के प्राइस पे ही आपको मिलेगा। बीच में का जो गैप अप ओपनिंग होगा ना वो आपके हाथ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये जो 7000 का स्टॉक आपको दिख रहा है दोस्तों, धीरे धीरे जैसे मार्केट जा रहा लेकिन जैसे दोस्तों मार्केट बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा, बजाज फिनसर जैसे स्टॉक, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक, ये भी देख सकते हो इसमें भी 7% की बहुत तगड़ी गिरावट है। और देख लो बजाज फाइनेंस का चार्ट में आप लोगों को लगा दिया हूँ आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए 400 का स्टॉक था दोस्तों, 400 का स्टॉक था 2016 में, 400 से भी नीचे था और आज के डेट में दोस्तों 4800 रुपीज़ चला गया। आप सोच सकते हो 5 साल के अंदर आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है जो इतना अच्छा और हाईली रिटर्न दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक गिरावट हुआ था मिडिल में, ठीक है, मिडिल में यहाँ पर देख लो भाई साहब, यहाँ पर ये जो गिरावट हुआ था इस गिरावट में कहाँ तक स्टॉक गया था, यहाँ पर देख लो मान लीजिए 3000 के आसपास ये स्टॉक गया था, ठीक है, 3000 के आसपास ये स्टॉक गया था। 3000 के आसपास से जब ये स्टॉक आया दोस्तों 1800 के आसपास, 1875 के आसपास, तो लोगों के पास ये एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी आया था खरीदने के लिए, दम पर खरीदने के लिए, और उसके बाद फिर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट दिया ये देख लीजिए। देखिए बीच में जो सीजनल गिरावट होता, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ये जो गिरावट देखा गया था यही गिरावट फिर आपको दूसरा मौका दे रहा है दोस्तों, दोबारा मौका फिर नहीं आएगा ऐसे स्टॉक में। भले ही मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी खरीदना है, मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट को बस स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए यहां पर 2008 में जब मंदी आई थी दोस्तों, यहां देख सकते हैं 6000 से कहां पहुंच गया था निफ्टी, 2000 पहुंच चुका था। उसके बाद दोस्तों 2500 के आसपास देखिए कितना अच्छा सपोर्ट लिया दोस्तों, सपोर्ट लिया यहां पर देख लो, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया। उसी तरह मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो अभी मार्केट गिर रहा है अगर ये इसको सपोर्ट मिल गया और बाउंस बैक लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकता है।
तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको मैंने आपको चूज़ करके लाया जो फंडामेंटली टेक्निकली फाइनेंशियली हर एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर भी गिरावट हो रही है। मार्केट गिर रहा है तो गिरावट हो रही है। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मौका है उसको हाथ से जाने मत दो, क्योंकि जितना भी आप मतलब 2 साल में या 5 साल में पैसा नहीं कमा पाओगे, वो दोस्तों आप 2 से 3 महीने के अंदर ही कमा लोगे ये गिरते हुए मार्केट में। ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो 2500 गिर रहा है दोस्तों, जब आने वाले दिनों में जब ये 1000 के 1000 1500 2000 करके ये जब ऊपर अपर सर्किट मारना स्टार्ट करेगा, तब हम देखते के देखते रह जाएंगे और यही सोचेंगे कि काश मैं खरीद लिया होता। तो दोस्तों जितना पैसा आपने 5 साल या 2 साल में नहीं कमाया है, वो 2 से 4 महीने में ही कमा लोगे। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए? बजाज फिनसर फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक दोस्तों, ये बहुत ही बहुत स्ट्रांग बैंक है। आपको पता है भाई HDFC बैंक, यहाँ पर देख लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी अच्छे स्टॉक है आपको निफ्टी 50 में भी देखा, आपने एक भी स्टॉक नहीं चला है, तो यहाँ पर देख लीजिए HDFC बैंक हो गया, उसके बाद SBI लाइफ हो गया। देखिए SBI लाइफ दोस्तों बहुत ज़्यादा और तगड़ा सपोर्ट मारा दोस्तों, ये 900 के आसपास मारा था, लेकिन उससे ज़्यादा गिरावट नहीं हो रहा इसमें। नहीं दोस्तों SBI लाइफ को भी बहुत बड़ा झटका मिला, यहाँ पर देख लो 1000 रुपीज़ के पास चला गया था, उसके बाद ये 1000 रुपीज़ के पास जाने के बाद ये 600 को 700 रुपीज़ से चला गया। तो सोचिए SBI लाइफ जैसे शेयर, SBI लाइफ, SBI कार्ड भी आने वाला है अभी, ठीक है। SBI का यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1000 रुपीज़ का शेयर आपको 700 में मिल रहा है, समझ सकते हो 30% डिस्काउंट में, वो भी अभी तो मार्केट गिर ही रहा, अभी तो ये सस्टेन नहीं हुआ दोस्तों, स्टेबल नहीं हुआ। सोचिए आपको 30% डिस्काउंट में, 40% डिस्काउंट में ऐसे शेयर मिल रहे हैं। जब बाउंस बैक आना स्टार्ट करेगा, तो ये जितना गिरावट है ना, ये दोस्तों ग्रीन कैंडल में आपको बदल जाएगा। उस टाइम हम बस सोचते रहेंगे काश मैं खरीद लिया होता तो आज के डेट में मुझे भी इतना बड़ा प्रॉफिट होता, ठीक है। ICICI बैंक जिन्होंने दोस्तों येस बैंक को खरीदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदा है, और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिन्होंने खरीदा है, मैं बोलूँगा ICICI बैंक पर ध्यान दीजिए भाई, ये बैंक बहुत अच्छा है और गिरे हुए मिल रहा है, मतलब कि दोस्तों निचले स्तर पे हमें मिल रहा है तो खरीद लेना चाहिए। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, IRCTC भाई चलेगा तो आसमान छू देगा, लेकिन हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी गिरा हुआ है तो क्या बोल सकते हैं, हर क्योंकि मार्केट पूरा गिर रहा है, कोई ऐसा स्टॉक ही नहीं है जो चल पा रहा। ये देख लीजिए आपके सामने नौकरी जैसे, इन्फो एज जैसे स्टॉक को मार्केट ने गिरा दिया है, 3000 के रेंज से इसने जो है 2000, मतलब कि दोस्तों ये भी जो है कम से कम तो 40% या 30% की स्टॉक गिर चुका है। तो नौकरी PD लाइट जैसे इन स्टॉक को मार्केट गिरा दे रहा, तो IRCTC क्या है भाई, ये तो अभी नया ही आया है, टाइम लगेगा, बिजनेस जमाने में टाइम लगता है, पैसा कमाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो स्टॉक थे दोस्तों जिन पे आपको नज़र रखना है, फोकस रखना है, मार्केट जैसे ही बाउंस बैक मारेगा तो, और वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू अप टू डेट देखिए, क्योंकि ये जो मौका है ये 5 साल की मेहनत आपको हो सकता है 5 महीने में कर दे, इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अप टू डेट न्यूज़ आपको मिलते रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से अच्छा खरीदारी कर सकते हो अच्छे टाइम देख के, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।